दुर्गेश दुर्गेश हेलो, कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? किस अचानक से यहाँ साइड से आवाज आई गाइस। हाँ तो गाइस, अभी हमें एक खतरनाक जंगल में और बोले तो एक घने जंगल में, और गाइस इस घने जंगल में हम बिताने वाले हैं पूरी रात, जहाँ पर हमको सामना करना पड़ सकता है कई खतरनाक जानवर से। और गाइस वैसे भी आप जानते हो ठंडी का मौसम है, तो हमको ठंड का भी सामना करना पड़ेगा, और बैग में कपड़े बहुत कम हैं। तो गाइस देखते हैं हमको इस जंगल में पूरी रात बिताने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं अकेला इस जंगल में नहीं आया हूँ, मेरे साथ है दुर्गेश भाई और इधर है अपने उमेश भाई, आप देख सकते हो। और गाइस एक बात मैं अभी आपको और बताना चाहूँगा कि आप सुन रहे होगे कि चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, एक बार आप चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। तो गाइस अभी आपने सुना कि चिड़ियों की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है। तो गाइस सबसे पहले एक अच्छी सी साफ सुथरी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपना कैंप लगा सकें। हाँ तो गाइस अभी हमको एक परफेक्ट जगह मिल गई है जहाँ पर हम अपना कैंप लगा सकें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले कैंप लगाते हैं और उसके बाद हम जलाने के लिए लकड़ियाँ खोजेंगे, क्योंकि एक बार रात हो गई तो हमको लकड़ियाँ खोजने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और गाइस वैसे भी जानते हो कि आप इस जंगल में जानवरों का कितना ज़्यादा खतरा है। तो गाइस बिना किसी देरी के सबसे पहले कैंप लगाते हैं। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे कैंप बन चुका है, लेकिन गाइस जो हमारा कैंप है चारों तरफ से खुला हुआ है। तो गाइस यहाँ पर जानवरों का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, और गाइस आप जानते हो कि रात में ओस की बारिश होती है। तो गाइस देखते हैं हम ठंड का सामना कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैं इसके नीचे साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कांटे वाटे हो सकते हैं, और तब तक दो लोग यहाँ से लकड़ी खोज लेते हैं जल्दी से, क्योंकि रात होने वाली। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा टेंट बनकर रेडी हो चुका है, और गाइस इधर अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन गाइस टेंट चारों तरफ से खुला हुआ है। तो गाइस अभी हम लकड़ियाँ लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी आग लगाते हैं। हाँ तो गाइस अभी अपनी आग लग चुकी है। तो गाइस अभी मैगी बनाते हैं और मैगी खाते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इधर अपनी मैगी वैगी बनाने की पूरी तैयारी है, इधर दोनों भाई बैठे हैं। और गाइस मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस मैं अभी आपको एक जगह ले चलता हूँ। तो गाइस अभी आप एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखो, एक बार एकदम सन्नाटा और कुछ छोटे छोटे जीवों की आवाज़ आ रही है। लेकिन गाइस आप सोचो अभी से इतनी ज़्यादा ठंड है, तो गाइस हम पूरी रात इस जंगल में कैसे बिता पाएंगे। और इधर अपनी आग वाग लगी है, आप एक बार देख सकते हो गाइस। गाइस इधर अपनी आग लगी है, और अभी आप मेरे पीछे आओ गाइस। गाइस मेरे पीछे आओ आप एक बार, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो हमको एक बहुत बड़ा मोटा सा पेड़ मिला है, यह पेड़ बहुत ज़्यादा मोटा है। गाइस आप एक बार इसे देखो, पास में आओ देखो। गाइस ये चेक करो आप, कितना ज़्यादा मोटा पेड़ है, एक बार ये चेक करो आप, बहुत मोटा पेड़ है गाइस। और इसकी लंबाई क्या ही बताऊँ, अभी नाइट में है इसलिए इसकी हम अच्छे से वीडियो नहीं बना सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमारी मैगी बन चुकी है। तो गाइस अभी बिना किसी देरी के अपन मैगी वैगी खाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अपन अभी सोने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैगी खाते हैं। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो इधर अपने लल्लू और दुर्गेश भाई बैठे हुए हैं, और लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं गाइस। और एक बार आप टाइम चेक करो, टाइम कितना हो रहा है गाइस, आप देख सकते हो रात के 9:05 हो चुके हैं। और गाइस इधर अब मैंने हमारी जो टॉर्च है वो भी इसका बैटरी ख़त्म होने वाली है गाइस, क्योंकि ये जो हमारी टॉर्च है धीमी जल रही है। और गाइस लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, और गाइस क्या बताऊँ ठंड बहुत ज़्यादा है।
हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो आग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और हमारी लकड़ियाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। और गाइस एक बार आप टाइम चेक करो, गाइस अभी आप टाइम देखो एक बार, 11 बज चुके हैं गाइस और ये दोनों सो रहे हैं। सो गए हो क्या? हेलो गाइस, ये दोनों सो रहे हैं और गाइस अभी मैं तो नहीं सोने वाला क्योंकि गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है। पता नहीं इन दोनों की नींद कैसे लग गई, पता नहीं हमारी वो वाली लाइट कितनी देर जलेगी। गाइस मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों को नींद लग गई इतनी जल्दी। और गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास अधिक मात्रा में कपड़े नहीं हैं, तो गाइस हम देखते हैं कि इस ठंड में हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। गाइस आप देख सकते हो मैंने एक चादर लाई थी, उसी में दोनों लोग गुड़मुड़िया के सो गए हैं, लेकिन गाइस मैं अभी नहीं सोने वाला। हालांकि गाइस ठंड मेरे को भी बहुत ज़्यादा लग रही है और गाइस डर भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन गाइस अभी मैं थोड़ा सा आग दोबारा लगाता हूँ, मैं बैठूँगा यहीं आग के पास, मैं तो अभी नहीं सोने वाला गाइस। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है और गाइस पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है और पता नहीं इन दोनों लोगों को कैसे नींद आ रही है। गाइस गाइस मेरे पास एक टॉर्च है, इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई है, ये जो हमारी टॉर्च है ज़्यादा देर तक तो नहीं जलने वाली। गाइस गाइस लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, क्या करूँ गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, गाइस पता नहीं गाइस ये दोनों लोग कैसे सो रहे हैं और ऊपर से मेरे को डर भी लग रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या बताऊं। गाइस एक बार आप चारों तरफ का नज़ारा देखो, चारों तरफ कोई नहीं है। देखो गाइस आप एक बार, मैं टॉर्च मार कर आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस, इधर सिर्फ इस जंगल में हम हैं और पता नहीं गाइस एकदम से कहीं से आवाज़ आती है और क्या ही बताऊं गाइस। ये चेक करो गाइस अभी रात के 12 बजने वाले हैं, 11:46 हो चुके हैं गाइस, रात के 12 बजने वाले हैं। गाइस इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस, आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है गाइस, पता नहीं गाइस इन दोनों को कैसे नींद आ रही है। और गाइस ओस की बारिश हो रही है, आपको मैं दिखाता हूँ, अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है गाइस। गाइस अभी तो इसमें ओस नहीं दिख रही, हालांकि गाइस ओस की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, मेरे सिर पर ओस की बारिश पड़ रही है गाइस, मेरा सिर गीला हो चुका है। गाइस अब मैं पता नहीं क्या करूं, आग भी बुझ चुकी है गाइस और रात के 12 भी बजने वाले हैं। गाइस एक काम करता हूँ मैं, थोड़ी देर मैं भी यहीं पास इनके बीच में बैठ जाता हूँ, क्या ही करूँ गाइस अब। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, देखते हैं हम यहाँ पर कब तक रुक पाते हैं। आप देखो गाइस मेरे मुंह से, गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ तो गाइस अभी मेरी नींद लगने ही वाली थी, या बोलूँ तो थोड़ी सी नींद लग चुकी थी और गाइस अचानक से यहाँ साइड से आवाज़ आई गाइस, पता नहीं किसी जानवर की है या फिर किसकी है। गाइस मेरे को यहाँ से एक आवाज़ आई है गाइस, और दोनों लोग तो सो रहे हैं। गाइस मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को यहाँ आगे जाना चाहिए। पता नहीं गाइस किस जानवर की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज, मेरे को लगता है गाइस यहाँ अपन को नहीं जाना चाहिए। हालांकि गाइस आवाज़ आई है, तो गाइस अभी मैं वहीं पर, तो गाइस अभी मैं अपने टेंट के पास वापस लौटता हूँ। गाइस अभी मैं अपने टेंट के पास वापस जाता हूँ,
मेरे को डर भी लग रहा है। दुर्गेश, दुर्गेश लल्लू कहाँ? हैं? कितनी टाइम के गया है? क्या पता यार, पहले इसको निकाल। वो निकला है ना? वो लल्लू कहाँ? देखो ना, चलो। लल्लू कहाँ गया भाई? चलो ढूंढते, चलो। लल्लू, 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 यहाँ देखो, यहाँ आओ। पता नहीं मेरे को आवाज आई तो मैं थोड़ा वहां देखने चला गया था, मेरी नींद लगने वाली थी। तो कहाँ गए लल्लू? लल्लू गाइस, लल्लू लल्लू लल्लू, चलो वहां चलते हैं। गाइस मेरे को नींद लग गई ना। गाइस मैं थोड़ा सा वहां से आवाज आई तो मैं वहां देखने चला गया गाइस कि वहां उधर क्या है। ओ जब गए तेरे को नहीं पता? चलो नहीं, चलो ना। लल्लू बोल कर भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूं। गाइस अपने लल्लू भाई नहीं दिखा दे रहे, उमेश भाई, हम उनको लल्लू ही बोलते हैं प्यार से। रो रहे हैं? वो प्यार से। लल्लू कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? बातों मारता है। हम कब से तो आवाज दे रहे हैं, बोलना चाहिए थे यार। लल्लू लल्लू सुनो तो भाई, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे लल्लू? बाथरूम करने गया था। कहाँ गया? बाथरूम करने गया था। बता कर हम कब से आवाज दे रहे हैं बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता नहीं। गाइस मेरे को वहाँ से एक साइड से आवाज़ आई, मैं उधर देखने गया और गाइस पता नहीं ये कहाँ गायब हो गया था। तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही? ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई। एक काम करो, लकड़ियाँ खोजते हैं, आग लगाते हैं। गाइस मेरे जान में अब जान आई, मेरे को लगा लल्लू भाई कहाँ चले गए। गाइस एक बार आवाज़ सुनना आप फिर से। गाइस ये सिकटों की आवाज़ है। हालांकि गाइस उतनी समय किसी और जानवर की आवाज़ आई थी, तो गाइस पता नहीं अभी टाइम क्या हो रहा है। मोबाइल दिखाओ थोड़ा, मोबाइल। गाइस अभी मान लीजिए अभी दूसरा दिन हो चुका है, गाइस एक बज चुके हैं। गाइस पता नहीं मेरी थोड़ी सी नींद लगी और मेरे को कहीं सी आवाज़ आई। गाइस मैं उधर देखने चला गया। एक काम करो, सोना वोना नहीं, अब लकड़ियाँ खोजो। गाइस अभी हमने आग फिर से लगा ली है और गाइस अभी मैं क्या ही बताऊं, अभी मेरे तो ऐसे गांठ फट गया हाथ में आ गए। गाइस आपको क्या ही बताऊं, गाइस मेरे को लगा लल्लू कहां चला गया। गाइस अभी वैसे दूसरा दिन हो चुका है, अभी गाइस मेरे को लगा मेरी नींद थोड़ी देर के लिए लगी, लेकिन गाइस आप ये चेक करो, एक मिनट गाइस ये चेक करो गाइस आप, आज सुबह हो चुकी है गाइस 1:57, 2 बजने वाले हैं गाइस सुबह, यानी गाइस दूसरा दिन हो चुका है और अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और गाइस अभी मेरी ठीक, मेरे को लगा लल्लू भाई कहाँ चले गए। क्या ही बताऊँ गाइस, गाइस ऊपर से इतनी ज़्यादा ओस की बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। गाइस एक बार आप मेरे मुंह से देखो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है।
गाइस क्या ही बताऊं कि कितना ज़्यादा मेरे को डर लगा था कि लल्लू भाई कहाँ चले गए, और अब वो बता भी नहीं रहा है, बोल रहा है बाथरूम करने के लिए गया था। अलग गाइस मैं तुरंत गया हूँ उधर किसी को देखने की, तब ये दोनों लोग सो रहे थे और मैं वहाँ से लौट कर आया तब लल्लू भाई अपन गायब थे। हालांकि गाइस अभी हमने आग लगा ली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मिनट बाकी हैं गाइस 2 बजने के लिए, सुबह के 2 बजने के लिए, या कहें तो रात के 2 बजने के लिए, अब क्या ही बताऊं मैं। हालांकि सुबह होने वाली है तो गाइस अभी मेरे को नींद ऊंद तो नहीं आने वाली। तुम लोग सोओगे क्या फिर से? कुछ नहीं सोने वाली। तो गाइस बोल तो ये लोग भी रहे हैं कि अब सोना वोना नहीं है, लकड़ियाँ अभी और हम खोजेंगे और इधर आग के पास बैठेंगे। 2 बजने वाले हैं अभी हमको, कितने 2, 3, 4, 5, 6 गाइस अभी अभी हाँ गाइस अभी हमको 4 घंटे और इस जंगल में बिताने हैं, सर्वाइव करने हैं, क्या ही बोलूं। हालांकि गाइस मैंने आवाज़ सुनी थी और मेरे को एकदम कंफर्म पता है कि वो किसी जानवर की आवाज़ थी। हालांकि उतनी टाइम अपना मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं था, मैं सो चुका था उतनी टाइम, एकदम से आवाज़ मेरे को सुनाई दी गाइस। क्या बताऊँ गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं आग के पास बैठते हैं और आपको क्या ही बताऊँ गाइस। टॉर्च कौन ली? टॉर्च दिखा थोड़ी, इधर साइड से आवाज़ आई थी गाइस, इधर से। तो गाइस अभी हमारी दोबारा से आग लग चुकी है और दोनों भाई उधर लोग बैठे हुए हैं, और गाइस उसकी बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, क्या ही बताऊं। और गाइस आप ये समझ सकते हो कि घर में जब हम रहते हैं तो ठंड कितनी ज़्यादा लगती है, तो जंगल है गाइस, तो गाइस आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड है गाइस। तो गाइस अभी कुछ प्लानिंग तो नहीं है, अभी 3-4 घंटे हमारे नाइट चैलेंज में बचे हुए हैं, तो गाइस यहीं पर हमको पूरी रात अभी बितानी है। 3-4 घंटे बचे हुए हैं अभी हमारे चैलेंज में, सुबह होने के लिए 3-4 घंटे बचे हुए हैं, तो एक ही हमको सहारा है वो, और गाइस वो है आग का सहारा। तो गाइस आग के पास बैठते हैं। हाँ तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी 6:12 हो चुके हैं गाइस, और गाइस एक बार आप चारों तरफ देखो, अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी सुबह वैसे सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं, लेकिन गाइस अंधेरा अभी चारों तरफ से हटा नहीं है गाइस। उजाला होगा हमारे यहाँ 7 बजे करीब उजाला होता है, और गाइस आप देख सकते हो इधर हमने फिर से लकड़ियाँ खोज कर सुबह हम अभी उठे। ये लोग तो बोल रहे थे कि हम नहीं सोएंगे, और गाइस फिर ये सो गए, और फिर मैंने भी बैग से एक चद्दर निकाली और गाइस फिर मैं भी इनके बगल में सो गया था, लेकिन गाइस ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो गाइस अभी हम ऊँचे हैं और सबसे पहले हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं, और गाइस वैसे आग लग नहीं रही थी, आग बहुत मुश्किल से लगी है क्योंकि ओस की बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं कि आज कितनी ज़्यादा ठंड थी, और आप जंगल में जैसे कि हम हैं तो गाइस आप समझ सकते हो हमने कैसे ठंड का सामना किया होगा, बस हम किसी तरह बच गए गाइस ठंड से।
बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है गाइस रात को सरवाइव करने को जंगल में, बहुत ज्यादा गाइस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता गाइस, इतनी ज्यादा ठंड थी यहाँ पर। और तो गाइस अभी वैसे सुबह तो हो चुकी है, अभी 6 बज चुके हैं, बाकी चारों तरफ से अभी अंधेरा हटा नहीं है। तो गाइस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। गाइस आप देख सकते हो अभी हम आग के पास बैठे हुए हैं, और एक बार आप टाइम देखो, कैप्चर हो जा गाइस, आप टाइम देख सकते हो, 6:20 हो गए हैं गाइस। गाइस आप देख सकते हो, और गाइस आप देख सकते हो सुबह भी होने लगी है, वो बादल का बादल लाल लाल हो गया है पूर्व की दिशा से। और गाइस सबसे पहले हमने आग लगाई है, आग लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आग लगी है गाइस। और आग लगने के बाद मैंने वीडियो शुरू की है, सबसे पहले हमने लकड़ियाँ खोजी और उसके बाद हमने आग लगाई। और इधर अभी हम बैठे हुए हैं, एक भाई मोबाइल देख रहा है। और गाइस अभी मैं आपको ओस दिखाता हूँ, किसी पत्ते के ऊपर गिरी होगी तो। गाइस आप ये चेक करो, सुबह होने वाली है। तो गाइस अभी मैं आपको ओस दिखाता हूँ, एक मिनट। गाइस देखो आप यहाँ पास ग्रीन ग्रीन से चारा है, और गाइस आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है। मैं एक बार आपको हाथ में दिखाता हूँ, ये देखो गाइस बिल्कुल बारिश जैसे हो गई है, यहाँ पूरा धरती गीली हो गई है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो सुबह पूरी तरीके से हो चुकी है। तो गाइस अभी बिना किसी देरी के अपना सामान बैग में पैक करते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, और गाइस अभी हम जंगल से निकलते हैं और एक भाई आग को अच्छी तरह से बुझा देते हैं। हालांकि गाइस ठंडी का मौसम है तो आग लगने का खतरा तो नहीं है, लेकिन गाइस फिर भी आग को अच्छी तरीके से बुझा देते हैं। और गाइस बाकी अभी हम निकलते हैं इस जंगल से, बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ तो गाइस अभी हम जंगल से निकल रहे हैं, और दुर्गेश भाई कुछ कहना चाहोगे? लाइक ठोको। तो गाइस जैसा कि दुर्गेश भाई ने कहा कि वीडियो को लाइक ठोको, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो या फिर कुछ भी तो नीचे कमेंट में कर देना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।